तो अब उतना स्ट्रगल नहीं है पहाड़ों में ना, जैसे पहले पहले जो स्ट्रगल था अब वो नहीं है। खास करके जो यहाँ से बुढ़े लोग भाग रहे हैं बाहर, तो उनको थोड़ा इस पर सोचना चाहिए। अब तो बहुत सुविधाएं होगी, बहुत फैसिलिटीज़ हैं। जैसे प्यास लगी छोटे छोटे में, जब मैं आता था तो मेरे को बहुत जल्दी प्यास लगती थी। तो एक बार मैं जंगल में गया था, जो हमारे जहाँ पे हमारे दादाजी की मैड है पुरानी घर, वहाँ पे गया था। तो वहाँ पे मेरे को प्यास लगी, वहाँ पे पानी नहीं है, तो वहाँ पे बरसात का पानी इकट्ठा हो रखा था, तो वो पिया था मैंने। तो वो काफ़ी अच्छा अनुभव था। ये पहिया का जो पेड़ है, ये पूजा में इसकी लकड़ी का इस्तेमाल होता है, जो पूजा होती है, हवन होता है। इसका शायद कुछ पुराना इतिहास होगा। और इसके जो बीज होते हैं, बचपन में हम इसके बीज खाया करते थे, लाल बीज होते हैं इसके। तन भी खान पहिया कदा छोटे छोटे में, तो छोटे छोटे में हमने बहुत खाए ये पहिए। पहाड़ों में घास पूरी अवेलेबल है, तो यहाँ पे डेयरी का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा रन करेगा। अगर कोई करना चाहे, कोई स्टेबल आदमी जो फाइनेंशियली अच्छा हो, जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा भी अच्छा हो। कम जाना तो ऊपर निकालेंगे हम सूखी घास, सूखी घास निकालेंगे ना। हरी घास पूरी सूखी घास। आते समय तो ढलान थी, जाते समय चढ़ाई है। ये जी फड़को एक तो सूखी घास पूरी आगे नहीं का। हरी घास कहाँ है? ये तो सूखी है। अग्नि जान चलो, अग्नि चल। वही बोला कुमार है। कुमार की बात है, मेरे बाटू ने देखियो वो भाई साहब ब्योह लड़ की हो। तो यहाँ पे निकालेंगे यमुनी कहाँ कावी नहीं कहाँ बुगड़े बगड़े में जाना था दूर कुमर वक कौक जी। तो तुम भी जाए एक घास निकालना घास। तो सुबह के टाइम का नज़ारा देखो, यहाँ पे अभी धूप नहीं है, सामने की तरफ है धूप। कख ताकि कन ये कुमर जन यार, तुम तो बोंड गया, हम तो बोंड घास होना चाहे। यहाँ पे काटेंगे दूसरा पेड़, पेड़ नहीं मतलब पत्तियाँ। और देखो नज़ारा बिल्कुल साफ मौसम है आज, लेकिन धुंध है। धुंध पता नहीं क्यों, ऐसे पहाड़ों में धुंध होती नहीं, लेकिन बारिश नहीं हुई है तो इस वजह से यहाँ पे धुंध है काफ़ी। तो हमारा जो घास का पहाड़ है ऊपर से और नीचे तक है, और उधर से लेके यहाँ तक, तो काफ़ी ज़्यादा है ज़मीन। तो और आने वाले टाइम पे जो है हम करोड़पति बन जाएंगे, बहुत ज़मीन है हमारे पास। तय कार्ड थोड़े बोर्ड एक ही बार कार्ड कौन जो थोड़ सी कारण थोड़ सी किचु का बिलियो तो ना एक दिन फलो नु सारो फिर भी चेन दो दो तीन दिन चल चल कन ते ज्यादा जाने आ मतलब एक दिन करो थोड़ थोड़ करके दो दिन च तीन दिन खिलाओ उसको बेकार नहीं आवा। ओ किचु धोलू है धोलू जी, मैं जा रहा हूं धोलू काटने। धोलू बोल दी नहीं थे बस ये काट दे। ओ छोरो गिर गया, ओ गिर गया।
कपड़ों में सारा वो लग गया, घास घास हो गई, घास घास लग गई है। जोड़ पोर कौन जूते हो मुझे पग जे जोड़ नहीं ली ना ना तुम ला दो अब बोला भर घास तो अब तो मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस क्या, अब हैबिट छूट गई मेरी। बचपन में तो बहुत काम करा पहाड़ों में, घास लाना हो गया जंगल से। ये तो अब थोड़ा नज़दीक आते हैं, पहले तो बहुत दूर जाते थे मम्मी के साथ, 4-5 किलोमीटर दूर। अब तो सब कुछ नज़दीक हो गया तो अब उतना स्ट्रगल नहीं है पहाड़ों में ना, जैसे पहले जो स्ट्रगल था अब वो नहीं है। तो फिर भी लोग जो है यहाँ से भाग रहे हैं, तो ये लोगों की जो है बेवकूफ़ी कह लो आप, खास करके जो यहाँ से बुढ़े लोग भाग रहे हैं बाहर, तो उनको थोड़ा इस पर सोचना चाहिए। अब तो बहुत सुविधाएं होगी, बहुत फैसिलिटीज़ हैं। जैसे प्यास लगी अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ प्यास लगी है? छोटे छोटे में जब मैं आता था तो मेरे को बहुत जल्दी प्यास लगती थी, जैसे मैं आता था मम्मी के साथ तो प्यास लगती थी। तो एक बार मैं जंगल में गया था, जो हमारे जहाँ पे हमारे दादाजी की मेड है पुरानी घर, वहाँ पे गया था तो वहाँ पे मेरे को प्यास लगी। वहाँ पे पानी नहीं है तो वहाँ पे बरसात का पानी इकट्ठा हो रखा था, तो वो पिया था मैंने, तो वो काफ़ी अच्छा अनुभव था जंगल में जो बरसात का पानी पिया। तब स्टार्ट करेंगे हम सूखी घास निकालना। ये सूखी है, नीचे नीचे थोड़ा हरी है, ऊपर सूखी है। अभी जो इतना निकाला हमने ये सिर्फ 2 दिन चलेगा, और साथ में फिर ये सूखी घास भी काटेंगे। ये देखो बहुत ही फेमस पेड़ दिखाता हूँ मैं, बहुत ही फेमस पेड़ है पहाड़ों का, जिसको बोलते हैं पहिया। पहिया का जो पेड़ है ये पूजा में इसकी लकड़ी का इस्तेमाल होता है, जो पूजा होती है हवन होता है इसका, शायद कुछ पुराना इतिहास होगा। और इसके जो बीज होते हैं बचपन में हम इसके बीज खाया करते थे, लाल बीज होते हैं इस पे। तन भी खान पाइया कदा छोटे छोटे में, तो छोटे छोटे में हमने बहुत खाए ये पहिए, और खट्टे खट्टे होते हैं, तो इससे ना तबीयत भी ख़राब हो जाती है अगर आप ज़्यादा खाओगे तो, और क्योंकि ये खट्टा होता है। जो नीचे दिख रहा है ना ये घास का टीला लगा रखा है जो पेड़ पे, तो ऐसे स्टॉक रखते हैं। तो कुछ लोग तो जंगल में ही लगाते हैं, यहाँ पे काटा और सीधे लगा दिया पेड़ पे ही बांध दिया। तो कुछ लोग इसको घर ले जाते हैं, घर पे बांधते हैं, और कुछ लोग कमरे के अंदर भी रख देते हैं, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा रूम है तो रूम में रख दिया भर के। तो इस सूखी घास काट के ऐसे लोग टीले भी लगाते हैं इसके पेड़ों पे। 10:30 बजे आए थे हम और लगभग 11 बज गए, 11:15 हो गए, तो टाइम लगता है। तो पहले तो ये था कि मेरी मम्मी लोग 5-6 किलोमीटर दूर जाते थे पैदल, सुबह 3-4 बजे गांव की सारी महिलाएं इकट्ठे होके मशाल जला के, फिर मम्मी को लेने के लिए हम जाते थे 12 बजे के आसपास, फिर आते थे हम 2-3 बजे। तो लगा लो कि 4 बजे जाते थे वो और दिन में आते थे 2-3 बजे, तो कितना दूर जाते थे और कितना लंबा डिस्टेंस कवर करते थे। तो अब तो काफ़ी नज़दीक हो गया, और हम लोग जो है घास उनसे भी रख लेते हैं जो यहाँ से चले गए हैं माइग्रेट होके। तो माइग्रेट करके जो चले गए हैं वो लोग घास बेच देते हैं अपना, तो हम लोग भी काटते हैं, बाकी और लोग भी काटते हैं। तो घास यहाँ पे काफ़ी अवेलेबल है, जो माइग्रेशन वाले लोग हैं उनकी घास यहाँ पे भरपूर है, उनसे बात करके आप घास ले लो। कितना रुपए में लेंगे घास? तो कुछ भाड़े का हिसाब होता है शायद, 150 रुपये भाड़ा। तो एक भाड़े में होती हैं 15-16 गठड़ी, तो 15-16 गठड़ी का रेट होता है 150 रुपया। सही है, 12 में तो 14-15 गठड़ी होंगे। तो अलग अलग रेट होते हैं लोगों के, कोई घी लेता है उसके बदले, तो कोई कोई घी भी मांगता है, और कोई कोई पैसे मांगता है। तो पहाड़ों में घास पूरी अवेलेबल है, अगर आप यहाँ पे डेयरी का काम खोलोगे तो बहुत अच्छा चलेगा। मैं भी सोच रहा हूँ कि डेयरी का काम खोलूँ, लेकिन थोड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए उसमें, और थोड़ा मैन पावर भी चाहिए, और थोड़ा स्ट्रैटेजी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए। तो यहाँ पे डेयरी का बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा रन करेगा, अगर कोई करना चाहे, कोई स्टेबल आदमी जो फाइनेंशियली अच्छा हो, जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा भी अच्छा हो, तो यहाँ पे डेयरी
यहाँ पे डेरी को स्टार्ट कर सकते हैं और मिल्क प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। जो अमेरिका से भरत सान्याल जी आए थे, उन्होंने भी सजेस्ट किया था कि यहाँ पे आप डेरी प्रोडक्ट्स जो है सेल कर सकते हो और अच्छा उत्पादन यहाँ पे हो सकता है। निकाल जल्दी घास, आला मैं भूख लगी। घास की पूरी कटाई कर ली, अब चलते हैं घर की तरफ। तो यहाँ से घर जाने में लगभग लगेगा हमें आधा घंटा, आधा या पौना घंटा, दो घंटे मान के चलो कि आपको सुबह जो है 2 घंटे जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। उठवाण पीछे रात पर ताकत बोलिए, घी दूध खाती है तो मैं जो खाना मैं सेब लेके आइए। खाया क्यों नहीं तुमने जब सेब है? ना मनी। और जो बाट लिया। ओहो, अब चढ़ाई चढ़ाई है। तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।